हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट यानी कि किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट। गर्मियों का मौसम फिर से आ गया है और जैसे आप जानते हैं हर यूरोलॉजिस्ट के पास गर्मियों में किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स बहुत आते हैं। किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जो दिल्ली और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया जहाँ गर्मी का प्रकोप है वहाँ बहुत कॉमन है। पर किडनी स्टोन जितनी बड़ी बीमारी है उससे ज़्यादा बड़ी उसके अराउंड मिथ्स है, किडनी स्टोन की सर्जरीज के बारे में डाउट्स है और किडनी स्टोन के लिए और उसके इलाज के लिए मरीज़ परेशान रहते हैं। मेरे पिछले वीडियोस जो दिए गए लिंक में हैं उसमें मैंने किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, टाइप्स, उनके अंदर क्या खाए क्या ना खाए, उनके अंदर परहेज के बारे में बहुत डिटेलिंग वीडियो बनाई है। आज की जो वीडियो है या आज की जो वीडियो सीरीज़ है जो आगे आने वाली चार वीडियोज़ है इसमें हम चार टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला कि किडनी स्टोन की क्या क्या सर्जरीज अवेलेबल है। सेकेंड, किडनी स्टोन की जो जो सर्जरीज अवेलेबल है वो किस साइज़ के स्टोन में और किस लोकेशन के स्टोन में कौन सी सर्जरी कराई जाए। किडनी स्टोन की सर्जरी चूज़ कर ली है तो किडनी स्टोन की सर्जरी करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं और किडनी स्टोन की सर्जरी करा ली हो तो किडनी स्टोन सर्जरी कराने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखे जाए ताकि आपकी किडनी स्टोन सर्जरी सक्सेसफुल रहे और आपको किडनी स्टोन फिर से ना हो। तो आज का जो इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है वो है कि किडनी स्टोन सर्जरी के टाइप्स। बहुत सारे डाउट्स है, लेज़र सर्जरी, यूरेट्रोस्कोपी, PCNL, URS, RIRS, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिनी पर्क, माइक्रो पर्क, मेजर पर्क, इतने सारे नाम हैं तो कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं तो गूगल पे उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती या वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी क्या सर्जरी हुई है। सबसे पहले समझें कि किडनी स्टोन मतलब कि आपके गुर्दे में एक स्टोन है। अब गुर्दे में स्टोन हो सकता है कि गुर्दा होता है हमारी किडनी जो नॉर्मली कमर में इस तरफ होती है। गुर्दे से निकलती है दो पेशाब की पाइप्स जो जाती है ब्लैडर के अंदर और ब्लैडर होता है हमारा बिल्कुल नीचे, जो बिल्कुल पेट के नीचे जो आपकी सुंडी है या नाभि है उसके नीचे वाले एरिया में ब्लैडर होता है। किडनी का स्टोन हो सकता है कि गुर्दे में हो सकता है गुर्दे के मुंह पे हो सकता है कि पाइप में हो सकता है पाइप से नीचे उतरकर ब्लैडर के मुंह पे आ गया हो सकता है ब्लैडर के अंदर आ गया हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि किडनी स्टोन की लोकेशन मतलब किडनी स्टोन कहाँ कहाँ पड़ा है और किडनी स्टोन की डेंसिटी, किडनी स्टोन की हार्डनेस, किडनी स्टोन का शेप और किडनी स्टोन के टाइप्स के हिसाब से चूज़ की जाती है कि किडनी स्टोन में कौन सी सर्जरी करी जाए। तो किडनी स्टोन की सर्जरी अभी पहले ज़माने में किडनी स्टोन की ओपन सर्जरी होती थी। ओपन मतलब कि जहाँ पर किडनी स्टोन है, गुर्दे में है तो ऊपर चीरा, पेशाब की नलकी में तो बीच में चीरा और अगर बरसाने में है तो बरसाने में चीरा, चीरे लगते थे, लंबे लंबे टाके लगते थे और सर्जरी होती थी। पर पिछले 10 साल से जब से एंडोस्कोपी मतलब कि दूरबीन मतलब कि जब से ये हमारी नई दूरबीन्स जो ये टेक्निकली एडवांस दूरबीन्स आई है तब से हम किडनी स्टोन की सर्जरी बहुत ही बारीक तरीके से कर सकते हैं बिना किसी बॉडी में कट लगाए, बिना बॉडी के अंदर कोई चीरा किए, बिना बॉडी में कोई छेद किए। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम जो बात करेंगे वो है यूरेट्रोस्कोप। ये यूरेट्रोस्कोप है, आप देखेंगे ये स्कोप है, इसमें बहुत सारी और एक्सेसरीज होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ये एक यूरेट्रोस्कोप है, यूरेट्रोस्कोप मतलब एक डिवाइस जो हमारी गुर्दे की थैली में मतलब किडनी की जो पेशाब की नलकी है या यूरेटर है उसमें घुस जाता है। आप देखेंगे ये एक्सट्रीमली पतला है, ये इसकी डायमीटर कुछ भी नहीं है और इसको हम आपके पेशाब के छेद के वाया नीचे से होते हुए पेशाब की थैली के वाया होते हुए जो गुर्दे का जो पाइप है उसमें घुस जाते हैं। उस एरिया में कोई भी स्टोन है तो उस स्टोन को चूरा कर सकते हैं। इस सर्जरी को यूरेट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, सर्जरी को URS भी बोलते हैं और दोनों ही सर्जरी में कोई छेद नहीं होता। पेशाब के रास्ते से दूरबीन जाती है और दूरबीन जो है स्टोन तक पहुँच के स्टोन जब दिखता है तो स्टोन को तोड़ते हैं। स्टोन को तोड़ने के दो तरीके हैं, एक तरीका है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी मतलब कि मैकेनिकल, मतलब हम जो हथौड़ी मार के, मतलब हमारे पास डिवाइस है जो बाहर से तोड़ के स्टोन को टुकड़े कर देता है। लिथोट्रिप्सी का एडवांटेज ये है कि सस्ता है, डिसएडवांटेज ये है कि उससे टुकड़े बड़े बड़े बनते हैं और निकालने में खुरंड बन जाता है। और सेकंड है लेटेस्ट लेज़र, होलमियम लेज़र या थूलियम लेज़र। ये बहुत बारीक फाइबर है जो इस यूरेट्रोस्कोप के पीछे से हम डाल के स्टोन तक जा सकते हैं और उस लेज़र फाइबर की एनर्जी से हम स्टोन को पूरा का पूरा डस्ट ब्लास्ट एकदम पानी बनाकर उसको फ्लश करके बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा महंगा है पर गुर्दे के लिए ज़्यादा सेफ है। तो ये हो गया यूरेट्रोस्कोपी। सेकंड टेक्निक है PCNL। अगर सपोज जो ये PCNL का डिवाइस है, अगर सपोज गुर्दे का स्टोन गुर्दे में है, पाइप के ऊपर है और वहाँ पर हम इस दूरबीन से नहीं पहुँच सकते तो हमें कमर में छेद करके गुर्दे में घुसना पड़ता है। तो ये वो स्टोन जो किडनी के अंदर है जिनके अंदर यूरेट्रोस्कोप नहीं पहुंच सकता उसमें हम करते हैं इस्तेमाल PCNL। इसका डायमीटर भी बहुत छोटा है तो अगर इसको हमें डालना है गुर्दे के अंदर तो जो छेद का साइज़ है वो सिर्फ एक टाके का छेद,
ए टाके के छेद से हम इस मशीन्स को लेके जा सकते हैं गुर्दे में और यहाँ पर कैमरा लगा के देख के हम स्टोन को अपने सामने टुकड़ा करके चूरा करके पूरे के पूरे स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। PCNL भी एक्सट्रीमली सेफ है, पर PCNL यूज होता है तब जब गुर्दे के अंदर स्टोन है। अभी इन दोनों के बीच की एक जो एडवांसमेंट है वो है RIRS। तो RIRS मतलब जब देखा कि आप इससे गुर्दे के अंदर पहुंच गए, पर सपोज गुर्दे में स्टोन जो है वो गुर्दे का स्टोन नीचे है तो ये बेंड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल हार्ड है। अगर हमको सपोज जाना नीचे से ही है, कमर में छेद नहीं करना, पर स्टोन जो है वो नीचे पड़ा है तो इसको बेंड करना, तो एक एडवांसमेंट है इसी स्कोप का जिसमें हम बटन के वाया हम इसको बेंड कर सकते हैं और नीचे पड़े स्टोन को देख सकते हैं। तो अगर सपोज कोई स्टोन छोटा है, ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर हम स्ट्रेट नहीं जा सकते, हमें बेंड करना है, तो उसको फ्लेक्सिबल स्कोपी या उसको RIRS बोलते हैं। RIRS का एडवांटेज है कि किडनी के अंदर बिना छेद किए, बिना PCNL किए स्टोन निकाल सकते हैं, पर उसका डिसएडवांटेज भी है। अगर बहुत बड़ा स्टोन है तो RIRS के अंदर स्टोन निकलता नहीं है, निकलता है तो उसका जो चूरा है वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि स्टोन फिर से हो सकता है। तो आज के दिन मेरे पास तीनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मेरे पास क्या मोस्ट यूरोलॉजी को तीनों फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बेसिकली बात होती है कि किसने कितनी ट्रेनिंग करी है और किसने कितना अच्छा काम उससे कर सकता है। तो आज का जो फर्स्ट एपिसोड है हम उसको यही एंड करेंगे। मैंने इसमें आपको बताया कि PCNL का स्कोप, यूरेट्रोस्कोपी का स्कोप और RIRS का स्कोप, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनको अप्रोच या इनके मेथड अप्रोच क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगा कि हम कौन से स्टोन में कौन सी सर्जरी कर सकते हैं, तो उससे आपको लग जाएगा आइडिया कि आपका स्टोन कहाँ पर है और उससे अपने आप बना सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स है। जो स्टोन के साइज, डेंसिटी और लोकेशन चार्ट बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन से स्टोन में हम कौन सी सर्जरी करें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप, मेल, फेसबुक, फ़ोन कर सकते हैं। आपका हम ऑलमोस्ट 100,000 सब्सक्राइबर रीच करने वाले हैं, मेरे को 100,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए थैंक यू एंड विशिंग यू अ हैप्पी समर। बाय।